सो हे गाइस एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरे पास जो पुराना गोप्रो हीरो 8 था वो खराब हो गया था एक्चुअली। तो अगर आप में से कुछ लोग को पता है कि मेरा गोप्रो हीरो 8 खराब हो गया, तो इससे मैं मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था बहुत दिनों से। तो फाइनली मैंने एक नया गोप्रो खरीदा है, तो उसका भी गोप्रो का मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे गोप्रो हीरो 8 के साथ हुआ क्या था। तो ये रहा एक्चुअली गोप्रो हीरो 8, आप देख सकते हैं इसका हालत। तो मैंने हालत जो है इसका ऐसा करके रखा है ये वो, क्योंकि पहला तो मेरा गलती ये था कि जब मैंने गोप्रो हीरो 8 खरीदा तो मैंने उसका जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो नहीं कराया था, मैं भूल गया था। और क्योंकि गोप्रो हीरो 8 जो है वो आपको इसके साथ जो है वो एक 1 ईयर का आपको वारंटी मिलता है कंपनी के साथ, और बाद में आपको एक्स्ट्रा है मतलब 1 ईयर एडिशनल आपको वारंटी मिलता है, तो 2 साल हो जाता है। तो वो जो वो मैंने नहीं कराया था गोप्रो हीरो के साथ, तो मेरा क्या हुआ, गोप्रो हीरो 8 जो है वो खराब हो गया 1 साल के बाद ही। लाइक आप सोच रहे हो कि 1 साल के बाद ही गोप्रो हीरो खराब हो गया। पहला प्रॉब्लम मेरा गोप्रो हीरो 8 पे ये आया कि जो गोप्रो हीरो 8 है इसका साउंड आना बंद हो गया था, और साउंड आने के बाद बीच बीच में जो साउंड नहीं आता था, फिर साउंड आने बंद होने के बाद एक्चुअली साउंड आना बंद हुआ, शुरुआत हुआ 8 या 9 महीने के बाद। और उसके बाद मैं इसको एक्सटर्नल माइक के साथ मैं यूज़ कर रहा था, अपने हेलमेट के साथ कुछ मोटो व्लॉगिंग मैंने भी किए थे। और फिर दूसरा प्रॉब्लम आने लगा कि इसका जो डेटा है वो रीड नहीं कर पाता था। मैं सपोज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वीडियो बीच में हैंग हो जाता था। तो बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगा गोप्रो हीरो 8 के साथ। फिर फाइनली 1 साल होते ही गोप्रो हीरो पूरा डेड हो गया, मतलब मैं फोन इसको मैं ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर मैंने बहुत सारा जगह जगह मैंने कॉन्टैक्ट किया कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फिर मुझे कहीं भी रास्ता नहीं दिखा, तो मैंने सोचा कि मैं इसको खुद से रिपेयर करने के लिए ट्राई करता हूँ। तो मैंने इसका पूरा ऐसा हालत कर दिया, तो ये बिल्कुल डब्बा हो गया। इसका बैटरी वैटरी अभी भी ठीक है, और इसका जो लीड है वो मैंने अपने दोस्त को दिया हुआ है, तो इसका आप देख सकते हैं बैटरी यहाँ पे। और जो मैंने अभी नया गोप्रो लिया है वो है गोप्रो हीरो 10, और उसका जो बैटरी है इसका बैटरी कॉम्पेटेबल नहीं है। इसका जो बैटरी साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, और गोप्रो हीरो 10 का जो बैटरी साइज थोड़ा बड़ा है। तो इसलिए फिर मैंने बहुत दिनों के बाद फिर गोप्रो हीरो 10 खरीदा। अभी आप सबको पता है कि गोप्रो कितना महंगा होता है, तो इसलिए मुझे काफ़ी समय लग गया इसको खरीदने के लिए। तो अभी चलते हैं गोप्रो हीरो 10 अनबॉक्सिंग करते हैं, और ये रहा हीरो 8 का, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा गोप्रो हीरो 8। तो इसको चलो साइड करते हैं, तो अभी आपको नए नए मोटर लॉगिंग कॉन्टेंट्स आपको दिखेगा। तो चलो